हाई एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लेसन नंबर 6 हमारे इंग्लिश टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 6 करने जा रहे हैं, ठीक है। लेसन नंबर 5 जो है हमने कंप्लीट किया है, उसके बाद लेसन नंबर 5 का पोएम जो है हम स्किप कर रहे हैं, ओके। जब स्कूल खुल जाएंगे तो हम वो स्कूल पे ही करेंगे, क्लासरूम में ही करेंगे, ठीक है, इसीलिए उसको स्किप करके रखा है। तो आज हम लेसन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। डू यू हैव इट इन यू, ओके। हमारे लेसन नंबर 6 का लेसन नंबर 6 जो है, डू यू हैव इट इन यू, ओके, क्या ये जो है क्वालिटी आप में है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सडन चेंज ऑफ वेदर डस्ट रूम फॉलोड बाई हैवी रेन हैज़ अपसेट द स्टूडेंट्स प्लान ऑफ हैविंग अ हॉकी मैच, ओके। क्या होता है, अचानक से मौसम जो है बदल जाता है, ओके, और बहुत तेज़ बारिश जो है गिरने लगता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है सारे क्या होता है, अपसेट होता है, ठीक है, यानी कि मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक हॉकी मैच जो है होने वाला था, तो मौसम ख़राब होने की वजह से अब वो प्लान जो है उनका चेंज हो गया है, ठीक है। दे आर फीलिंग बैड स्पेशली बिकॉज दे वेट द इंटायर वीक फॉर द गेम्स पीरियड एंड दिस रेन हैड स्पॉइल्ड इट ऑल। क्या कहते हैं, उन लोग को जो है, स्टूडेंट्स को जो है, बहुत ही बुरा फील हो रहा है, ख़ासकर जब उन्होंने इस वक्त के लिए, इस गेम के लिए पूरे इंटायर हो गया, पूरा वीक हो गया, हफ्ता, पूरा हफ्ता जो है बड़े बेसब्री से इंतज़ार किया था, ओके। लेकिन और जो वो इतना एक्साइटेड थे तो वो सारा जो है स्पॉइल, ओके, उसका सारा एक्साइटमेंट जो है स्पॉइल हो गया, ख़राब हो गया, ओके, किसकी वजह से, इस बारिश की वजह से, ठीक है। और इस चीज़ के लिए वो लोग बहुत बुरा फील कर रहे हैं। दो देयर गेम्स टीचर मिस्टर कबीर खान हैज़ सम अदर प्लान्स, तो अब ये प्लान जो है यहीं पर रुक जाता है, क्योंकि बारिश आके उनका प्लान जो है आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन उनका गेम टीचर, ठीक है, जिनका नाम है मिस्टर कबीर, ओके, मिस्टर कबीर खान, ठीक है, उनके पास और एक प्लान है, ओके, उनके पास और एक प्लान है, ओके, अगर हॉकी मैच नहीं होगा तो क्या होगा, ये सोच के उनके पास एक प्लान है, उन्होंने ऑलरेडी प्लान करके रखा है कि क्या हो सकता है। He takes the class to the school auditorium and shows them some interesting clips which he had specially saved for any such day. Okay, अब वो क्या करता है, अब वो सारे बच्चों को जो है अपने स्कूल के ऑडिटोरियम में लेके जाते हैं और उनको एक क्लिप दिखाते हैं, ठीक है, क्लिप दिखाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्लिप दिखाता है, जिसको उसने ऐसे ही किसी दिन के लिए सेव करके रखा था, ठीक है, ओके, यानी कि ये क्लिप जो है उसके पास ऑलरेडी था, लेकिन ऐसे ही किसी दिन के लिए जो है उन्होंने ये क्लिप सेव करके रखा था, ओके। सो लेट्स स्पीक इनटू द ऑडिटोरियम एंड फाइंड आउट वेदर द किड्स आर हैविंग फन और दे आर स्टिल कॉजिंग द बैड वेदर। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेसन को स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं कि क्या सारे बच्चे जो ऑडिटोरियम में चले गए, हाँ, क्योंकि उनको हॉकी गेम खेलना था, तो उनका वो वाला प्लान तो अब रुक गया बारिश आने की वजह से। तो वो लोग जो है अब ऑडिटोरियम में जाके क्या उनका मूड ठीक हो जाता है, या फिर वो अभी भी उसी बारिश को जो है कोस रहा है। ऑल्सो लेट्स लर्न अबाउट सम एडवेंचरस वाटर स्पोर्ट्स, ओके, और चलिए साथ में हम कुछ एडवेंचर यानी कि वाटर स्पोर्ट्स के बारे में कुछ लर्न करेंगे। तो अभी जो है इसका सीन वन जो है स्टार्ट होता है, ठीक है, सीन वन स्टार्ट होता है, सारे बच्चे और टीचर के साथ ऑडिटोरियम के अंदर जा चुके होते हैं, ओके। तो चलिए पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आर सीटेड, स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। सम आर कन्फ्यूज्ड व्हाई देयर टीचर हैज़ ब्रॉट देम हियर, और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कन्फ्यूज है कि उनके टीचर ने उनको वहाँ किस लिए लाया है, ठीक है। एंड सम आर एक्साइटेड थिंकिंग दे मे गेट टू वॉच अ मूवी, ओके, मे बी अवतार, और उनमें से कुछ जो है बहुत ही एक्साइटेड है, ओके, बहुत ही खुश है, ओके, और सोचते हैं कि शायद उनको कोई मूवी दिखाने के लिए इधर ऑडिटोरियम में लाया है, और वो मूवी वो लोग क्या ये करते हैं, सोचते हैं शायद अवतार मूवी, ठीक है। अवेयर ऑफ स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन मिक्स्ड विद एक्साइटमेंट एंड एंटीसिपेशन मिस्टर खान इज़ ब्यूजी सॉर्टिंग आउट द सीडीज एंड डीवीडीज। स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन और एक्साइटमेंट, कुछ स्टूडेंट्स जो है कन्फ्यूजन में थे, कुछ एक्साइटमेंट में थे, ओके, उनसे वाकिफ होते हुए मिस्टर खान जो है क्या कर रहा था, वो बिज़ी था, ओके, बिज़ी था सीडीज़ और डीवीडीज़ को सॉर्ट करने में, ठीक है। आफ्टर मेकिंग द सिलेक्शन, उन्होंने जब सेलेक्ट किया सीडीज़ को, ही टर्न्स टू द स्टूडेंट्स एंड सेस, वो बच्चों की तरफ मुड़ जाता है और उनसे कहने लगता है, मिस्टर खान कहता है,
फिक्सिंग हिज कॉलर माइक, अपने कॉलर ओके कॉलर पे यानी कि गलवान पे या गले पे जो कॉलर पे जो ओके उसके शर्ट के माइक लगा हुआ था उसको फिक्स करते हुए वो कहने लगता है ओके फर्स्ट टेल मी आई एम ऑडिबल टू आउट। वो सबसे पहले कहने लगता है चलिए पहले आप मुझे जवाब दीजिए क्या मेरी आवाज़ आप सबको सुनाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं इन कोर्स यस सर, ओके सब कहने लगता है कि यस सर। फिर मिस्टर खान कहते हैं ऑल राइट, चलो ठीक है, नाउ आई अंडरस्टैंड यू आर फीलिंग बैड बिकॉज ऑफ द वेदर। अब मुझे समझ में आ गया कि आप लोग जो है मौसम के ख़राब होने की वजह से क्या थे बुरा फील कर रहे थे, बट आई प्रोमिस यू दैट बाय द टाइम वी फिनिश वॉचिंग दीज वीडियोज़ द बैड वेदर वुड बी ओवर बट योर टॉक एंड एक्साइटमेंट विल नॉट। ओके और साथ में वो ये कहता है कि मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक आप यहाँ बैठ के इन वीडियोस को देखोगे ओके तब तक जो है ये बैड वेदर तो ख़त्म हो जाएगा, मौसम तो बदल जाएगा ओके, लेकिन आप लोगों का एक्साइटमेंट जो है इस वीडियो के बारे में वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स कहते हैं ऑल स्टैंडिंग अप इन देयर चेयर्स इन कोर्स आस्क्ड ओके, सब अपने चेयर्स पर बैठ के उनसे फिर कहने लगता है सर व्हाट आर यू शोइंग अस टुडे, सर आज आप हमें क्या दिखा रहे हो इधर ऑडिटोरियम में। ठीक है, फिर मिस्टर खान उनका टीचर कहते हैं गेम टीचर वी विल वॉच सम वीडियोज़, हम कुछ वीडियोज़ देखेंगे रेदर वीडियो क्लिप्स ओके। इन स्कूल वी यूजअली प्ले हॉकी क्रिकेट वॉलीबॉल टेनिस बैडमिंटन एट्सेट्रा ओके। स्कूल में जो है हम आमतौर पर यूजुअली हो गया आमतौर पर प्ले यानी कि खेलते हैं हॉकी क्रिकेट वॉलीबॉल टेनिस या बैडमिंटन, ऐसे गेम्स जो है हम खेलते हैं। दीज गेम्स डिमांड स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना, और इन गेम्स को खेलने के लिए आप आपके पास स्ट्रेंथ होना चाहिए और स्टैमिना होना चाहिए। बट टुडे वी विल लर्न अबाउट द एडवेंचर स्पोर्ट्स विच डिमांड नॉट ओनली स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ कॉरेज। लेकिन आज जो है हम ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में सीखेंगे ओके जिसको करने के लिए न कि सिर्फ ताकत की ज़रूरत पड़ता है बल्कि स्टैमिना की, जिसको करने के लिए ना कि सिर्फ़ स्ट्रेंथ और स्टैमिना ताकत और स्टैमिना की ज़रूरत पड़ता है बट ऑल्सो लॉट ऑफ कॉरेज, लेकिन साथ में उसको करने के लिए बहुत सारे हिम्मत की ज़रूरत पड़ते हैं ओके। और उसके बाद कहते हैं मिस्टर खान उनका टीचर कहते हैं आर वी रेडी, क्या हम तैयार हैं इसके लिए ओके। तो आज यहाँ तक ही